तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे NTPC के स्टॉक की, क्योंकि सुबह एक अच्छी ओपनिंग के बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। ये स्टॉक 0.48% की गिरावट के साथ 394.40 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। सुबह देखें, आज इसका जो हाईएस्ट लेवल है 408 का है, तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में देखने को मिली है हाईएस्ट लेवल से। तो आइए इसको कवर करते हैं, इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। नए आए हो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो सारे वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों, कोई भी स्टॉक हो तब चलेगा जब उसके नंबर्स ग्रो करेंगे। यदि उसके नंबर्स में प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो वो स्टॉक फिर जरूर आपको रिकवर करता दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, यदि नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो फिर उस स्टॉक में कोई तेजी आने के चांसेस नहीं है। तो NTPC की बात करें, इसमें आज अच्छी तेजी है, क्योंकि क्वार्टर वन में कंपनी का जो प्रॉफिट है 12% के हिसाब से बढ़ गया है, 2,5506 करोड़। तो एक बड़ी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे देखने को मिल रही है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं, इनके नंबर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये कंपनी PSU सेक्टर की कंपनी है, थर्मल पावर में कंपनी का मेनली बिजनेस है, और इसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है 5506 करोड़ आया है, जबकि लास्ट ईयर इट वाज 4907 करोड़। और यहाँ पे 12% की इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली है, इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है। टोटल इनकम देखें तो 48,981 करोड़ आई है, जबकि लास्ट ईयर इट वाज 43,390 करोड़। और यहाँ पे 12.8% की ग्रोथ है, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बॉटम लाइन भी बढ़ रही है, सेल्स भी बढ़ रहे हैं, टॉप लाइन भी बढ़ रही है। एक्सपेंसेस देखें तो वो 41,000 करोड़ के राउंड आए हैं, जबकि इट वाज नियरली 36,000 करोड़ ए ईयर अगो। पावर कैपेसिटी देखें, पावर जनरेशन कैपेसिटी 114 बिलियन यूनिट्स के हिसाब से बढ़ गई है इन द फर्स्ट क्वार्टर, बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों, जबकि लास्ट ईयर इट वाज नियरली 104 बिलियन यूनिट्स इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24। स्टैंड अलोन बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 11% के हिसाब से बढ़ गया है, टोटल इनकम भी बढ़ गई है। तो नंबर्स आर क्वाइट इनकरेजिंग। और पावर जनरेशन कैपेसिटी देखें, स्टैंड अलोन बेसिस पे 98 बिलियंस की आई है, जबकि इट वाज 88 बिलियंस यूनिट्स ए ईयर अगो पीरियड। कोल स्टेशन देखें, दे हैव अचीव्ड ए प्लांट लोड फैक्टर ऑफ 80%। दोस्तों, कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो 80% के हिसाब से प्लांट लोड फैक्टर पे ऑपरेट करते दिखाई दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, जो कि लास्ट ईयर 76% थे। और ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है एंड लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 76 गीगावाट। बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों, इसलिए दोस्तों नंबर पॉजिटिव आए हैं। इसको हर डिप में बाई करने की कोशिश करो, जितना ही इसको आप लोअर लेवल पे बाई करोगे, ठीक है ना, उतने ही आपके अच्छे जो रिटर्न्स हैं वो आते रहेंगे। दोस्तों, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है, और यहाँ पे देख सकते हो फाइनल डिविडेंड के लिए भी कंपनी ने जो है वो डेट फिक्स की हुई है। कंपनीज बोर्ड इन द क्वार्टर फोर हैज रिकमेंडेड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹3.25 पर इक्विटी शेयर। तो 3.25 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ये कंपनी डिविडेंड भी देगी, और उसके जो लुकआउट डेट है वो नोट्स कर सकते हो, दैट हैज बीन फिक्स्ड एट अगस्त 7 को कंपनी जो है वो रिकॉर्ड डेट फिक्स कर चुकी है। वेडनेसडे के दिन जो भी इस स्टॉक को इस दिन होल्ड करेंगे उनको डिविडेंड मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो पोजीशन है इस स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों, नए आए हो दोस्तों, फिर यही कहेंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। कोई भी स्टॉक में निवेश करना है, अपना खुद का एनालिसिस करो, अपना रिस्क प्रोफाइल स्टडी करो, फिर ही किसी स्टॉक में निवेश करो। सो थैंक्स।